जेके बोस 10th एंड 12th क्लास के रिजल्ट जो कश्मीर डिवीजन का है उसके रिलेटेड जेके बोस के चेयरमैन विना पंडिता ने बताया कि जेके बोस के जो रिजल्ट का एक बर्निंग इशू चल रहा है कि 20 जनवरी तक उनका रिजल्ट आउट हो चुकेगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है डाउट में क्या उनका रिजल्ट इतने जल्दी आने वाला है। इसकी पूरी क्लैरिटी देते हुए बताया कि मिनिमम रिजल्ट को 45 डेज लगते हैं आउट होते हुए। तो जब उन्होंने KNS से बात करते हुए पूरी क्लैरिटी के साथ बताया कि रिजल्ट आपका कब आउट होने वाला है। न्यूज आई है कि मैट्रिक और TDC के इम्तिहान जो दिसंबर में लिए गए थे उनके नतीजे का ऐलान 20 जनवरी से पहले किया जाएगा, इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल एक र्यूमर है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी बच्चों को कि वो अपनी अगली पढ़ाई अपनी क्लास में ध्यान दें और इन र्यूमर्स पे ना जाएं। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 15 दिनों या 20 दिनों में कोई रिजल्ट निकल सकता है। कम से कम हमें 45-50 डेज से 60 डेज तक लगते हैं रिजल्ट बनाने में और प्रिपेयर करने इवैल्यूएशन करने में और पूरा रिजल्ट फाइनल करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 20 जनवरी तक हम रिजल्ट दे पाएंगे। कब तक तौका है? एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये हम लोग सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से पहले नहीं दे पाएंगे रिजल्ट। शुक्रिया वीना पंडिता जी। जी, थैंक यू। जेके बोस के चेयरमैन ने पूरी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि आपके रिजल्ट को एटलीस्ट फरवरी में आपका रिजल्ट आउट होगा, जिसमें 12th का रिजल्ट और उसके बाद 10th का रिजल्ट आउट होगा। अब ये क्लैरिटी पूरी बता दी गई है कि जितने भी स्टूडेंट जो वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 12th के बाद नीट के लिए कर रहे हैं, IIT के लिए कर रहे हैं या फिर एग्जाम 11th की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो है स्मूथली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, किसी तरह के ये फेक रूमर्स पे ना जाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट।